सभी को जय हिंद। मैं कॉर्पोरल आयुष कुमार मिश्रा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट, भोपाल ग्रुप 1MPCTR बटालियन के सिस्टेक कंपनी का छात्र। दोस्तों, जैसा अब हम सभी लोग जानते हैं कि आज हमारा देश एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और हम सभी को साथ मिलकर इससे लड़ना है, और इस हेतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम स्वस्थ रहें। तो आइए कुछ प्राणायाम एवं आसन द्वारा हम अपने योगाभ्यास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं अपने पहले आसन से, जिसका नाम है चक्रासन। तो दोस्तों, यह था हमारा पहला आसन चक्रासन। इसके कई लाभ हैं, जैसे यह हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, शरीर में स्फूर्ति प्रदान करता है, ये पेट की चर्बी से लेकर मोटापे तक को कम करता है। इसके साथ ही साथ ये हाथों को मजबूती प्रदान करता है। इसके पश्चात हम अपना दूसरा आसन शुरू करते हैं, जिसका नाम है धनुरासन। दोस्तों, ये था हमारा दूसरा आसन धनुरासन। इसके कई लाभ हैं, जैसे ये पेट की चर्बी को घटाता है। इसके साथ साथ इसका एक मुख्य लाभ है कि यह मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी से दूर रखता है। इसके बाद हम अपना तीसरा आसन शुरू करते हैं, जिसका नाम है बकासन। ये था हमारा तीसरा आसन बकासन। इसके कई लाभ हैं, जैसे ये करते वक्त हमारे शरीर का पूर्ण भार हमारे हाथों पर आता है। इससे हमारे हाथों की मांसपेशियां मजबूत बनी रहती है, शरीर हृष्ट पुष्ट बना रहता है, चेहरे पे सौंदर्य निखरता है। इसके साथ ही साथ हम हमेशा अपनी छोटी छोटी बीमारियों से दूर रहते हैं। पश्चात हम अपना चौथा आसन शुरू करते हैं, जिसका नाम है अर्ध सर्वांगासन। दोस्तों, ये था हमारा चौथा आसन अर्ध सर्वांगासन। इसके कई लाभ हैं, जैसे ये करने के पश्चात हमारे कंधे और गर्दन की नसों में खिंचाव पैदा होता है। इसके पश्चात ये थायराइड को संतुलित रखता है, जैसे हार्मोन का उत्पादन अच्छा होता है। इसके पश्चात ये हमारे तनाव को भी कम करता है, जिससे हमें बहुत अच्छी नींद आती है। दोस्तों, आइए इसके पश्चात हम अपना पांचवा आसन शुरू करते हैं, जिसका नाम है वक्रासन। ये था हमारा पांचवा आसन वक्रासन। इसके भी कई लाभ हैं, जैसे इसका मुख्य लाभ है कि यह डायबिटीज को कम करता है। इसके साथ ही साथ यह हमारे पीठ के पूरे रीढ़ की हड्डियों में स्ट्रेचिंग करता है, जिससे हमें कभी पीठ के दर्द की समस्या नहीं होती। पश्चात दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य नमस्कार सभी आसनों का मूलभूत आधार है, तो आइए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, ये था हमारा सूर्य नमस्कार। इसके भी कई लाभ हैं, जैसे हमारे शरीर में पूर्ण रूप से लचीलापन रहता है, शरीर सुदृढ़ बना रहता है, कमर में कभी दर्द की शिकायत नहीं आती, एवं इसके साथ साथ यह हमें कई रोग और विकारों से दूर रखता है। दोस्तों, यह हमारे कुछ योग थे, इन्हें नित्य प्रतिदिन करने से
यह हमारे मन शरीर एवं आत्मा को शांति एवं मजबूती प्रदान करते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इन्हें नित्य प्रतिदिन अपनी जीवन शैली में लाइए। दोस्तों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।